मैं ब्रजेश सिंह प्रिंस हूँ, सदस्य विधान परिषद जौनपुर। विश्वविद्यालय में जो हम लोगों का प्रवेश का समय रहा मेरा व्यक्तिगत तौर पे 1993 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक के छात्र के रूप में मैंने प्रवेश लिया था और मेडिकल हिस्ट्री, डिफेंस स्टडीज और हिंदी का छात्र रहा मैं। 96 के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने विश्वविद्यालय छोड़ दिया क्योंकि मैंने एमबीए में एडमिशन ले लिया पूर्वांचल विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में। और उसके बाद परास्नातक का जो कोर्स रहा उसको पूर्ण करने के बाद हमने कुछ दिन तक प्राइवेट सेक्टर में सर्विस भी किया और फिर सार्वजनिक जीवन में आकर राजनीति में पदार्पण किया। शुरू में हम लोग छात्र जीवन में भी छात्र राजनीति से जुड़े रहे और लोगों के सहयोगी के रूप में विश्वविद्यालय में भी कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर अपने व्यापार क्षेत्र में भी हम लोगों ने कार्य किया और 2010 में आकर पूर्ण रूप से सार्वजनिक जीवन में आकर राजनीति में प्रवेश किया और मैंने पहली बार ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनपद जौनपुर में करंजा कला विकास खंड है वहां से मैंने चुनाव लड़ा और उस चुनाव में मैं विजयी रहा। और 2012 में पुनः एक बार मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उस ब्लॉक में, किंतु ब्लॉक के लोगों का, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का इतना अपार सहयोग रहा कि उसके बावजूद दोबारा जब मैं 2012 में चुनाव लड़ा तो लोगों ने पूर्ण बहुमत से मुझे पुनः ब्लॉक प्रमुख के रूप में स्थापित किया। और उसी कार्यकाल के दौरान 2016 में जब मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ उसके पहले ही विधान परिषद का चुनाव जनपद जौनपुर में लोकल बॉडी का हुआ जिसमें मैं चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जनपद जौनपुर की जनता ने, जनपद जौनपुर के जो उसके मतदाता थे, चुने हुए प्रतिनिधि थे जनपद से विभिन्न क्षेत्रों के, उन लोगों ने अपार सहयोग और स्नेह दिया और मैं उस चुनाव में भी भारी मतों से विजयी हुआ। और तब से अब तक निरंतर हम लोग सार्वजनिक जीवन में कार्य कर रहे हैं और बड़ी ईमानदारी और शुचिता के साथ काम कर रहे हैं। और मैं अपने भाइयों को, अपने जो भी बंधु हमसे इससे जुड़े हैं, उन सभी लोगों को मेरा यही सलाह भी है कि जीवन में जब भी अवसर मिले किसी भी क्षेत्र में, वो राजनीति ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, यदि उस क्षेत्र में आपको अवसर मिलता है तो प्रयास ये करना चाहिए कि पूरी ईमानदारी के साथ अपना 100% उस क्षेत्र के लिए देने का प्रयास करें, क्योंकि अवसर हमेशा नहीं मिलता, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जब भी जीवन में अवसर मिले तो अपना 100% उस क्षेत्र में ईमानदारी के साथ और शुचिता के साथ देने का अगर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से समाज को एक बेहतर दिशा देने में हमें सफलता मिलेगी। इसके साथ ही साथ मेरा ये भी आप लोगों से आग्रह है कि जो लोग भी जिस क्षेत्र में परिश्रम कर रहे हैं अपने लक्ष्य को निर्धारित रखें और उस लक्ष्य को निरंतर पाने के लिए अपना पूरा प्रयत्न करें और 100% उसको देने का प्रयास करें, तभी आप उस लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। जो भी छात्र आज की डेट में तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या जो भी दिशा वो तय किए हैं वो अपना उनकी अपनी चॉइस होती है, उसमें बेहतर करने के लिए आप संघर्ष तो करेंगे ही, लेकिन पूरी तन्मयता के साथ लक्ष्य निर्धारित करके यदि आप चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं है, प्रयास आपको करना पड़ेगा और वो प्रयास आपका सार्थक दिशा में होना चाहिए तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती रहेगी। इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे आज की तारीख में हम लोग राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो राजनीति के क्षेत्र में आज बड़ी गिरावट आई है, राजनीति में लोगों की विश्वसनीयता टूटी है पॉलिटिशियंस से, तो जो भी नौजवान साथी आगे राजनीति में आ रहे हैं तो वो राजनीति को फुल टाइम जॉब मान के चले, ये मेरा 24/7 का जॉब है
और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है, समाज को हम क्या दे सकते हैं, कितना बेहतर दे सकते हैं और कितनी ईमानदारी से और संवेदनशीलता के साथ हम काम कर सकते हैं, ये अगर जब मन में भाव होगा तभी हम राजनीति में या किसी भी सार्वजनिक जीवन में बेहतर कर पाएंगे। और आज के तारीख में नौजवान साथियों से और जो लोग भी काम कर रहे हैं उनसे एक मेरा और महत्वपूर्ण आग्रह है कि अपने जीवन में आचरण और अभिव्यक्ति में समानता अवश्य रखें। जो हम अभिव्यक्ति करते हैं, चाहे हम सार्वजनिक मंच से या समाज में या 10 लोगों के बीच जब बैठकर हम जो बोलते हैं, वो हमारी अभिव्यक्ति स्वयं के आचरण में जरूर आनी चाहिए, क्योंकि तभी हम दूसरे को टोक पाएंगे और दूसरे को सलाह दे पाएंगे कि आप लोग इस ढंग का कार्य करें। क्योंकि आज की डेट में बड़ी विविधता है, आज की तारीख में बड़ी विविधता है, लोग बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर विश्वसनीयता की कमी आती है। और वही विश्वसनीयता आज जो हम लोगों की बॉन्डिंग है, सोशल बॉन्डिंग है समाज में, उसको कमजोर करती चली जा रही है। तो बड़ी आवश्यकता है नौजवान पीढ़ी से, नए लोगों से, कि समाज को किस ढंग से हम मजबूत रखें, अपनी सोशल बॉन्डिंग को किस ढंग से स्ट्रांग बनाएं, ये एक बड़ा आवश्यक पहलू है। और इस पहलू को हम ही आप आगे बढ़कर आएंगे और उसमें जब सकारात्मक रुख लेकर हम आएंगे, हमारा जब सोच हमारी पॉजिटिव होगी, रुख हमारा सकारात्मक होगा और लोगों के प्रति जब आपका भाव बेहतर होगा तो कोई बाधा नहीं आने वाली, मैं समझता हूँ। और इस ढंग से करके हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अपनी गरिमा रही है, हम लोग गर्व महसूस करता हूँ मैं अपने आप में कि मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा ग्रहण की है और मेरा जो इंटरमीडिएट तक का शिक्षा रहा है वो जवाहर नवोदय विद्यालय से रहा है, जवाहर नवोदय विद्यालय मड़ियाहू जौनपुर से मैंने 6th to 12th की शिक्षा ग्रहण की है। तो ये दोनों समय जो रहा मेरा शिक्षा के क्षेत्र का, जो 6th से 12th का जो इंटरमीडिएट तक की शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से और उसके बाद ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो आज जीवन में जो कुछ भी है वो वहीं की आधारशिला है, वहीं की मजबूत कड़ी जो मुझे मिली है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो संस्कार मिला है वो आज मेरे जीवन में हर कदम पे मुझे सहायक सिद्ध होता है, हर कदम में मुझे उससे मार्गदर्शन मिलता है, वहाँ के सीनियर्स का जो स्नेह आज भी मिलता है, जिस सभी क्षेत्र में जाते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय इतना व्यापक, वहाँ के जो लोग पढ़ लिख कर निकले हैं, पूरे देश में कहीं भी जाइए तो विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे लोग वहाँ पर कार्यरत लोग मिलते रहते हैं। और जब वो जानते हैं कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ा हूँ, या मुझे जब पता चलता है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं, साथ ही साथ हम लोगों का एक अलुमनी जवाहर नवोदय विद्यालय का भी है जो आज एक बड़े पैमाने पर पूरे देश में लोग जुड़े हैं एक दूसरे से, तो उसको भी जब लोगों को जानकारी होती है तो मैं देखता हूँ कि इतना स्नेह, इतना प्यार और एक दूसरे के प्रति जो भाव बनता है कि इनका सहयोग किया जाए जिस भी स्तर पर, तो मैं समझता हूँ कि वो सहयोग की भावना और व्यापक होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए। आज जहाँ भी हम हैं, जिस स्थिति में हैं, यदि सक्षम है तो विश्वविद्यालय से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, कोई नौजवान छात्र या जो पढ़ लिख कर निकल गए हैं, उनकी भी समाज में कहीं मुझे मेरी आवश्यकता उनको महसूस होती है, तो निश्चित तौर पर सबको खड़े होना चाहिए अपने लोगों के साथ, अपने विश्वविद्यालय के सीनियर्स के साथ, नए लड़कों के साथ या जो पीढ़ी अभी पढ़कर निकलेगी, जहां भी आवश्यकता हो। कम से कम व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि मुझे जहां भी जानकारी होती है मैं निश्चित तौर पर उनके प्रति मेरा भाव स्नेहिल होता है और मैं उनके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता हूं कि कितना बेहतर इनके लिए मैं कर सकूं। बहुत सारे लोग इस समय फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं। अवनिंद यादव जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अवनिंद जी आपको। प्रदीप विश्वकर्मा जी हैं, आलोक जायसवाल जी हैं, तो जो लोग भी नौजवान अवधेश निषाद भी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों की ताकत है, हम लोगों की स्ट्रेंथिंग है और इसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय परिवार सशक्त हो, समृद्धशाली हो और विश्वविद्यालय का जो गौरवशाली इतिहास रहा है
उस गौरवशाली इतिहास को हम लोग निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो लोग भी आज समाज में अग्रणी हैं, समाज में सार्वजनिक जीवन में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और पॉजिटिव वे में समाज में काम कर रहे हैं, उन लोगों से भी मेरा यह आग्रह है कि एकजुटता लाएं। समाज में जो बिखराव है, समाज में जो आज लोगों में गिरावट आई है, वो चाहे आपसी सौहार्द की गिरावट हो, लोगों के चरित्र की गिरावट हो, लोगों में जो करप्शन को लेकर जो व्याप्त है लोगों में, उन सब चीज़ों पर अगर कोई दूर कर सकता है तो वह नौजवान पीढ़ी जो विश्वविद्यालय से पढ़ लिख कर निकल रही है। तो मेरा यही आप लोगों से, जो नौजवान साथी जूनियर हैं, उनको मेरा ये संदेश है